हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार, बीबीएम ज्ञान अड्डाटूम, आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं यूपी बोर्ड का 11th और 12th क्लास का सिंथेसिस, जो हमारा टॉपिक चल रहा है सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस का कंबाइन करने के लिए कितने विधि का यूज होता है, आपको बता चुके 7th विधि का कि कैसे आप यूज करेंगे। जो आपका लास्ट विधि है आपका सिंपल सेंटेंस का कंजक्शन, यूज ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन का प्रयोग करके किस प्रकार दो या दो से एक अधिक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। जो आपकी 8th विधि है सिंपल सेंटेंस का यूज ऑफ कंजक्शन, यूज ऑफ कंजक्शन को कहते संयोजक का प्रयोग। इस सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन का प्रयोग करके कैसे एक या एक से अधिक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। जो फिर कंजक्शन का डिफिनेशन क्या होता है, कंजक्शन होता क्या है, कंजक्शन का जो डिफिनेशन होता है, कंजक्शन अकंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन सेंटेंस वर्ड फ्रेज क्लॉज आर कॉल्ड कंजक्शन। कंजक्शन का जो डिफिनेशन होता है, अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन सेंटेंस टू वर्ड फ्रेज क्लॉज आर कॉल्ड कंजक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम वेंट टू स्कूल। राम और श्याम स्कूल जाते थे। इसमें जो आपको दिया गया, जो कंबाइन जो दो वर्ड को, राम एंड श्याम फर्स्ट आपको जो वर्ड है, राम जो सेकेंड आपको वर्ड है, वो आपका श्याम है। जो दोनों कंबाइन कर रहा है, जो सहयोग कर रहा है, जोड़ा है, इसमें आपका एंड है, एंड हो गया आपका कंजक्शन। जैसे दूसरा एग्जांपल, सीता एंड गीता सिंग अ सॉन्ग। सीता एंड गीता सिंग अ सॉन्ग, इसमें जो आपका कंजक्शन है एंड, दो वर्ड को जोड़ा है, सीता फर्स्ट आपको वर्ड हो गया, सेकेंड आपका गीता, इन दोनों जो वर्ड को जोड़ रहे हैं आपका एंड हो गया आपका कंजक्शन। ये आपका कंजक्शन। सिंपल सेंटेंस में जो आप यूज ऑफ कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, उसमें सिर्फ एक ही कंजक्शन की यूज होता है, वो होता है आपका एंड।
एंड ही कंजक्शन का सिंपल सेंटेंस में यूज होता है। यूज ऑफ कंजक्शन को जरूरत होता कैसे आप कंबाइन करेंगे। जो रोल होता है कंजक्शन का प्रयोग उस समय होता है जब एक शब्द वाक्यांश उपवाक्य जुड़ा हो और दो कार्य चल रहे हो तो कंजक्शन एंड का प्रयोग होता है। सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन के यूज करेंगे आप सिर्फ एक ही कंजक्शन के यूज होता है एंड का, जो इसका रूल होता है कंजक्शन का प्रयोग उस समय होता है जब एक शब्द वाक्यांश उपवाक्य जुड़ा हो और दो कार्य चल रहे हो तो कंजक्शन एंड का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम वेंट टू स्कूल श्याम वेंट टू स्कूल फर्स्ट आपका एक्शन हो गया, ये आपका फर्स्ट एक्शन। श्याम वेंट टू स्कूल आपका सेकंड एक्शन। इसमें राम और श्याम इसमें दो वर्ड दिए गए हैं, दो शब्द दिए गए आपका, तो इसका जो कंबाइन हो जाएगा सिंपल सेंटेंस में राम एंड श्याम, दो में से एक ही वाक्य शेष वर्ग लिखा जाता है तो वेंट टू स्कूल, इस प्रकार का एक सिंपल सेंटेंस कंबाइन होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल राधा प्ले द मैच दूसरा वाक्य सीता प्ले द मैच जो आपको फर्स्ट एक्शन है राधा प्ले द मैच, जो आपका सेकंड एक्शन है सीता प्ले द मैच ये आपको गया फर्स्ट एक्शन। जो आपका सेकंड एक्शन है सीता प्ले द मैच, ये आपको गया सेकंड एक्शन। इसमें जो कंबाइन होगा राधा और सीता, ये तो आपका वर्ड है तो हो जाएंगे राधा एंड, जो आपका सिंपल सेंटेंस कंबाइन होगा राधा
एंड सीता प्ले द मैच, प्ले द मैच। इस प्रकार का यूज ऑफ कंजक्शन का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस कंबाइन किया जाता है। आपको बताए कंजक्शन का डिफिनेशन क्या होता है? सिर्फ यूज ऑफ कंजक्शन का सिंपल सेंटेंस, सिर्फ एक ही कंजक्शन का प्रयोग होता है, एंड कंजक्शन का ही प्रयोग होता है। जो इसका रूल होता है, कंजक्शन का प्रयोग उस समय होता है जब एक शब्द या वाक्यांश या उपवाक्य जुड़ा हो और दोनों कार्य चल रहे हो, तो कंजक्शन एंड का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल गया। श्याम वेंट टू स्कूल, श्याम स्कूल गया। इसमें आपका दो वर्ड जुड़े हैं, राम जो फर्स्ट आपका वर्ड है, राम जो आपका सेकंड है, श्याम। तो हो जाएगा राम एंड श्याम वेंट टू स्कूल। इस प्रकार का एक सिंपल सेंटेंस कंबाइन हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल, राधा प्ले द मैच, सीता प्ले द मैच। जो आपका फर्स्ट एक्शन है राधा प्ले द मैच, सेकंड है आपका सीता प्ले द मैच। इसमें भी आपका दो वर्ड जुड़ा हुआ है, राधा और प्लस सीता। तो हो जाएगा राधा एंड सीता प्ले द मैच। इस प्रकार का अब एक सिंपल सेंटेंस का कंबाइन किया जाता है। आपको मैं बता चुका है कि सिंपल सेंटेंस में आठ विधि किए जाता है। जो आपका फर्स्ट था यूज ऑफ पार्टिसिपल, जो आपका सेकंड था यूज ऑफ नॉमिनेटिव, जो आपका थर्ड था यूज ऑफ इन्फिनेटिव, जो आपका फोर्थ था यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, जो आपका फिफ्थ था यूज ऑफ एडजेक्टिव, जो आपका सिक्स्थ था नाउन प्रीपोजिशन जेंडर, जो आपका सेवंथ था यूज ऑफ एडवर्ब, जो आपका एट है यूज ऑफ कंजक्शन। यूज ऑफ कंजक्शन का प्रयोग करके कैसे आप एक सिंपल सेंटेंस का कंबाइन करते हैं। इसके बाद जो आपको दूसरा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का किस प्रकार एक सिंपल सेंटेंस कंबाइन किया जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कैसे कंबाइन किया जाएगा, आपको बताए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तीन विधि होता है। जो फर्स्ट होता है आपका नाउन क्लॉज, जो आपका सेकंड होता है एडजेक्टिव क्लॉज, जो आपका थर्ड होता है एडवर्ब क्लॉज। मैंने नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा कि नाउन क्लॉज का, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नाउन क्लॉज का उपयोग करके कैसे आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। थैंक्स फॉर यू।